चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा, राजीव सैलरी वॉज फर्स्ट रिड्यूस बाय 40% एंड देन इंक्रीज बाय 50%, बाय व्हाट परसेंट इज द न्यू सैलरी लेस देन इज इनिशियल सैलरी, यानी कि जो घटकर उसकी सैलरी हुई है वो कितने परसेंट कम हुई है पहले वाले से। तो देखिए, मान लेते हैं कि उसकी जो सैलरी थी पहले, वो सैलरी थी उसकी 100 रुपये स्टार्टिंग में। अब उसमें जो कमी हुई है 40%, तो इसका 40% निकालेंगे, तो इसका मतलब है इसका 40% निकालेंगे और 40 इसमें से माइनस करेंगे, तो उसकी सैलरी जो बची वो 60% बची, यानी 60 रुपये बची। 100 का अगर 40% आप निकालेंगे तो 40 हो जाएगा, 100 में 40 माइनस करेंगे तो घटकर कितनी होगी इसकी, 60 रुपये। फिर कहता है कि वो 60 रुपये ना बढ़ गए, तो 60 रुपये का 50%, यानी इसका आधा, 60 का आधा कितना होता है 30, और 30 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90। नहीं तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, तो कितना होगा आपका ये 50 बाय में आपका 100, तो ये 6 पंजे 30 हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा। अब उसने पूछा कि जो उसकी जो सैलरी है वो कितने परसेंट उसकी कम हुई है ये बताना है, तो 100 से 90 की तरफ गए, तो डिफरेंस कितना आएगा आपका 10 का। कहाँ से चलना शुरू किया आपने, 100 से, तो 100 को नीचे लिखेंगे, इंटू में आप 100 करेंगे, इससे कट जाएगा, तो 10% की उसमें क्या हुई, कमी हुई है। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।